दिव्या और शमिता बने दुश्मन से दोस्त। शमिता ने मांगी दिव्या से माफी, दोनों ने लगाया एक दूसरे को गले। जी हाँ, तो क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। वेल, घर के अंदर शमिता और दिव्या बन गए हैं दुश्मन से दोस्त, जहाँ शमिता ने मांगी है दिव्या से माफी, साथ ही साथ दोनों ने लगाया है एक दूसरे को गले। जी हाँ, घर के अंदर एक बेहद ही चौंकाने वाला नजारा हमें देखने को मिला, जहाँ शमिता और दिव्या एक दूसरे के गले लगते हुए नजर आए। जी हाँ, और जहाँ शमिता ने मांगी दिव्या से माफी। दरअसल वीकेंड कवार पर एक टास्क के दौरान देवोलीना और रश्मि ने राकेश को एक टास्क दिया था, जिसमें राकेश बार बार दिव्या का नाम लेते हुए नजर आए और उनके मुंह को पानी में डुबोते हुए भी। जी हाँ, जिस बात पर मांगी है अब शमिता ने दिव्या से माफी, जहाँ शमिता दिव्या को कहती नजर आई कि उन्होंने राकेश से कहा था कि ऑडियंस के सामने वो अपनी रियल फीलिंग बताएं और अगर वो उनका साथ देते हैं तो सच में ऑडियंस को ऐसा लगना चाहिए। जहाँ शमिता ने कहा कि कल टास्क के दौरान राकेश इसी वजह से फंस गए और वो बार बार शमिता को बचाते हुए नजर आए, जिसकी वजह से उन्होंने बार बार दिव्या का नाम लिया और उनके चेहरे को पानी में डुबोया। जहां शमिता ने मांगी है अब दिव्या से माफी, जिसके बाद दिव्या भी शमिता से अपने गिले शिकवे दूर करके उनके गले लगती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, तो आपका क्या कहना है इस पूरे नजारे पर, बताइएगा जरूर हमें सेक्शन में।